दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए बहुत सी बातें बताई हैं। चाणक्य ने कहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए और उन बातों को या कहें आदतों को आज ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, कौन सी है वो आदतें, उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छे से समझना। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत जो लोगों में होती है वो एक बहुत बुरी आदत है, वो है कि धन को बिना सोचे समझे खर्च करना। दोस्तों, ये वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल है। बात बिल्कुल पते की है, बिना धन के ना इज्जत है और ना ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा तो कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मैंने भी देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो भी उसे लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की ये लाइन याद रखें कि कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो और जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही खर्च करें। और दोस्तों, दूसरी बात, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, कि मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाती है। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर भी कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाकर बात को वहीं रफा दफा कर दें। तो दोस्तों, ये थे वो दो पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।